को लेकर अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विवाद है रंग को लेकर, नारंगी रंग दरअसल इस बार दूरदर्शन के लोगों का किया गया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो इस पर सवाल उठाती हुई नजर आई कि आखिर कैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि रंग तो पहले से ही नारंगी था, नीला किसने किया और हमने तो घर वापसी करवाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की प्रसार भारती के दूरदर्शन न्यूज चैनल का सालों पुराना लोगो बदल दिया गया है। जिस चैनल की पहचान लाल रंग की धरती से हुआ करती थी, अब उसे नारंगी रंग का कर दिया गया है, जिसे लेकर सियासत गरम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, मैं दूरदर्शन के लोगों की भगवाकरण से हैरान हूँ। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जब पूरे देश की जनता वोटिंग के मूड में है, तो चुनाव आयोग इस गेरुआ समर्थक काम की इजाजत कैसे दे सकता है? दूरदर्शन के लोगों में मूल नीला रंग तुरंत वापस लाया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भगवा के प्रति उनका प्रेम सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। जबकि बीजेपी ने बदलाव को घर वापसी करार दिया है। कहा, भगवा लोगों का परीक्षण 1982 में किया गया था। वहीं दूरदर्शन के लोगों का रंग लाल से नारंगी करने पर 2012 से 2014 के बीच प्रसार भारती के सीईओ रहे तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा, राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगों को भगवा रंग में रंग दिया है। पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसके भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि अब प्रसार भारती नहीं बचा है, बल्कि ये प्रचार भारती है। दूरदर्शन का लोगो बदलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? ये लोग भगवा रंग का भी आनंद नहीं ले सकते, ये लोग सिर्फ तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं। दूरदर्शन के समाचार चैनल प्रसार भारती ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो एक नए रंग में आ रहा है। रंग बदलने के बाद कई विरोधियों ने इसका मजाक उड़ाया और इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा भारती बताया। दूरदर्शन की बात करें तो ये पहली बार सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे हैं कि जब 1959 में शुरुआत हुई थी डीडी की, तब भी इसका रंग नारंगी था, बस घर वापसी हुई है तब भी इस पर राजनीति? बिल्कुल, 16 अप्रैल को जब एक्स पर यह पोस्ट किया गया दूरदर्शन की तरफ से कि वो अपने इस लोगों को अब और आकर्षक बना रहा है, इस आकर्षक लोगों के साथ अब वो आगे लोगों तक बातें जो है वो पहुंचाता रहेगा, उसके बाद जमकर जो है कहीं ना कहीं से राजनीतिक विवाद हो रहा है। पूर्व जो सीईओ प्रसार भारती के हैं वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस से इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अब ये प्रसार भारती नहीं, अब इसे आप प्रचार भारती कह सकते हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी एक्स पर ट्वीट पोस्ट करते हुए यह जिक्र किया कि जिस तरह से भगवाकरण इन तमाम संस्थाओं का हो रहा है, यह कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़े सवाल करता है। और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस बात का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरह से संज्ञान ले कि कैसे आखिर चुनाव के टाइम में, और अगर आदर्श आचार संहिता लगी है उस आदर्श आचार संहिता के वक्त में ही कैसे किसी सरकारी संस्थान यानी कि दूरदर्शन जैसे संस्थान का लोगो चेंज करके उसे भगवा कर देते हैं। तो वहीं जब ममता बनर्जी इस दूरदर्शन के लोगों को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, तो बीजेपी हमलावर है अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जब दूरदर्शन रंगीन यानी कि कलरफुल प्रसारण उसका शुरुआत 1982 में हुई थी और 1982 में ही यह तय किया गया था कि इसका रंग जो है वो लोगो नारंगी होगा, लेकिन यह लोगो आखिर नीला उस वक्त किसने किया था, यह सवाल उन्होंने पूछा। और सवाल के साथ ही यह भी पूछा कि अब इसकी घर वापसी हुई यानी कि नीले से भगवा रंग हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी को भगवा से परेशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बिल्कुल, देखिए जब भी कुछ भी देश पर नया होता है देश में, तो उस पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई है और कार से कुचलने का भी आरोप लगाया जा रहा है।
तो दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई है, लाठी डंडे चले हैं, ईंट से भी हमला किया गया है यहां तक की, और कार से कुचलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो गुटों के बीच भिड़ंत में कार से कुचलने के भी आरोप लग रहे हैं, लाठी डंडे और ईंट से हमले करने के भी आरोप लग रहे हैं। तो ये मामला सामने आया है जहां पर एक दूसरे पर लाठी डंडे और फायरिंग के साथ साथ कारों से कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है दोनों ही गुटों की तरफ से, जिसकी सीसीटीवी देखे, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जहां देखे किस तरह से कार से कुचलने का आरोप लगाया जा रहा है, उसे आप खुद इस सीसीटीवी में देख सकते हैं, जहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईंटों से हमला किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गुरुग्राम का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि दोनों जो गुट हैं एक दूसरे पर कैसे हमला करते हैं और ईंट पत्थर जो है वो गाड़ियों पर बरसाए जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों गुटों के बीच जैसे ही झड़प हुई वहीं एक दूसरे पर ये हमलावर हो गए, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए, और जानकारी ये भी है कि एक दूसरे पर गाड़ी जो है वो चढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाती है। और देखिए कैसे अपने हाथों में हथियार लेकर लाठी डंडे लेकर ये तमाम लोग यहां पर नजर आए, और ये दोनों गुट आमने सामने हो गए थे। देखिए पीछे से गाड़ी में कैसे जो है वो टक्कर यहां पर मारी जा रही है, कैसे हमला जो है वो यहां पर जो है वो किया जा रहा है। ये अलग-अलग तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीरें जो है सीसीटीवी, ये देखिए, ये आप देखिए कैसे हमला जो है वो गाड़ी से किया जाता है, और जो कुचलने की बात सामने आ रही है, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, ये कार जो आप देख रहे हैं सफेद रंग की, ये कैसे दूर से इसे लाया जाता है और एक बार जो है शख्स को यहां पर कुचलने की कोशिश यहां पर की जाती है। देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको अलग-अलग एंगल से यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे इस गाड़ियों के जरिए एक दूसरे पर हमला जो है वो किया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ यहां पर की जाती है, जो लाठी डंडे वो यहां पर बरसाए जाते हैं, और ये दो गाड़ियां, ये आपको दो गाड़ियां जो है वो अलग अलग यहां पर नजर आ रही हैं, और कैसे कैसे इन गाड़ियों के जरिए एक दूसरे पर हमला किया जाता है, कुचलने की कोशिश होती है, जान से मारने की कोशिश यहां पर होती है, एक दूसरे की गाड़ियों पर जो है ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जाते हैं। ये सीसीटीवी की घटनाक्रम की वो तस्वीरें हैं जहां पर ये दोनों गुट आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमलावर यहां पर हो जाते हैं, और एक के बाद एक यहां पर कोशिश होती है कि एक दूसरे को गाड़ियों से कुचल तक दिया जाए। अंजलि के पास क्या अपडेट करते हैं? तो गुरुग्राम से जहां भिड़ंत की दो तस्वीरें आपने देखी, तो वहीं गुरुग्राम से अगली खबर, जहां दीवार गिरने से ये हादसा हो जाता है, गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा हो गया है, जहां चार की मौत हो गई है, कई घायल बताया जा रहे हैं। हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए गए हैं, और हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दीवार अचानक से गिर जाती है और इस हादसे की जद में चार लोग आते हैं, जहां जिनकी मौत हो जाती है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसकी सीसीटीवी सामने आई है। तो अचानक से देखिए ये दीवार किस तरह से गिर जाती है और मलबे में तब्दील हो जाती है, और इस मलबे में दबकर यहां देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े हुए थे, पास में ही, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह दीवार अचानक से इस तरह से गिर जाएगी और चार लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। यूपी के मुरादाबाद में सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग, एक के बाद एक कई सिलेंडर के धमाकों से दहला पूरा इलाका। नई मुंबई के सानापाड़ा में एक आवासीय इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में आग ने मचाया तांडव, देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग, तो आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर हुए खाक, लाखों का हुआ नुकसान, तो कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के चंदौली में जुसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में अचानक से भीषण आग लग गई, आग से 30 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, आग बुझाने के काफी देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, घुसाए ग्रामीणों ने नोक झोंक के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को बैरंग वापस कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राइस मिल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, तो आग की चपेट में आने से गोदाम का सामान जलकर हुआ राख।
वहीं यूपी के शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते देखते 2 से 3 किलोमीटर तक यह आग फैल गई। बुलंदशहर के अनूप शहर में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ट्रक चालक और उसके साथी ने कूद कर बचाई अपनी जान। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे टांडा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें हुई प्रभावित। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूर्वी तट पर मेगा अभ्यास किया है, जहां पर पूर्वी लहर अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष नौसैनिक बल शामिल हैं।